तो ये डलने जा रही है छवीं टिक्की। ये देखिए छह टिक्की डल चुकी है लगभग इस अभी तक। ये देखिए ये बनने जा रही है फिंगर लिकर्स की फेमस पाव भाजी एकदम बॉम्बे के स्टाइल में। ये देखिए ये आ गया अमूल बटर। तो देखते ये पूरा तवा भर के यहाँ पे पाव भाजी बनेगी। ये अमूल बटर एकदम बढ़िया तरीके से पिघल रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये बटर और डाल दिया भैया ने। दिल्ली में इनकी पाव भाजी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देख सकते हो ये भैया ने जीरा डाल दिया। तो ये देखिए ये आ गई शिमला मिर्च। तो मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या डाल रहे भैया यहाँ पे। तो भैया पूरा तवा भर के बनती है ये? पूरा भर के बनती है। ठीक है। तो भैया कितना टाइम हो गया शॉप को? शॉप को 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। तो पूरे दिल्ली में यहाँ की पाव भाजी लोग काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और ये शॉप आपको मिल जाएगी द्वारका में। ये देखिए बढ़िया से एकदम बटर में शिमला मिर्च को बढ़िया से डाल दिया। तो भैया पाव भाजी के अलावा क्या क्या लगाया जाता है यहाँ पे? पाव भाजी के अलावा तवा पुलाव है, वड़ा पाव है, ताबेली है, नान थाली वगैरह है, चाइनीज में भी है। तो देखो तो कितनी सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाती है। अगर आप फिंगर लिकर्स द्वारका में आ रहे हो तो आप ये सब चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। आज यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पाव भाजी की मेकिंग। तो अच्छे से भैया इसको पका रहे हैं। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे टमाटर डल रहे हैं। ये देखिए पूरा एकदम कंटेनर भर के यहाँ पे टमाटर डल गया है। ये देखिए तवा पूरा का पूरा भर गया है और टमाटर डलने जा रहा है। ये देखिए तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे पाव भाजी बनने जा रही है। और ये देखिए पूरा एकदम टमाटर से एकदम लाल लाल हो गया तवा। तो भैया कितने लोगों के लिए पाव भाजी बन जाती है यहाँ पे एक साथ? 70-80 आदमी बन सकता है। 70-80 आदमी। ये देखिए ये आगे मटर आ गए। तो देख सकते हो कितना कलरफुल लग रहा है देखने में, कितना एकदम भर भर के भैया बना रहे हैं यहाँ पे। तो भैया पूरा अंदाज़ा लग जाता है। हाँ, टेस्ट एकदम मेंटेन रहता है, मेंटेनेंस सब रहता है। एक बार खाओगे बार बार सेम वैसे टेस्ट मिलेगा, सेम वही की एक ही टेस्ट मिलेगा, एक टेस्ट मिलेगा। ये देखिए ये मटर देख सकते हो, टमाटर देख सकते हो, शिमला मिर्च देख सकते हो, एकदम बढ़िया से मिक्स करके यहाँ पे पाव भाजी बन रही है बॉम्बे स्टाइल में। ये आगे आलू देखिए, ये कितना बड़े कंटेनर से ये देख सकते हो आलू डाल रहे हैं इसमें। ये पूरा का पूरा देख सकते हो तवा इन्होंने आलू से भर दिया है। तो एकदम देख सकते हो मैश्ड पोटैटो है ये। तो वो देखते हैं भैया इतना बड़ा तवा कैसे हैंडल करते हैं ये। ये आ गया नमक, ये क्या डाल रहे भैया? पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डाल दिया भैया ने। धनिया पाउडर, ये आ गया धनिया पाउडर। ये क्या डाल रहे भैया? मिर्ची। अच्छा मिर्ची, ये देखिए ये मिर्ची डाल दी भैया ने। ये देखिए ये आ गया पूरा हरा धनिया बढ़िया से। तो काफ़ी सारी चीज़ें भैया ने इसमें डाल दी। अब इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे तो भैया ने मैश पोटैटो डाल दी इसमें, टमाटर डाले हैं, स्पाइसेस डाले हैं और हरा धनिया डाला है, काफ़ी कुछ डाला हुआ है यहाँ पे। और बढ़िया से अब यहाँ पे पाव भाजी रेडी कर रहे हैं। तो पूरी पाव भाजी को भैया अच्छे से अब मैश करने जा रहे हैं। तो भैया पाव भाजी बनाने में कितना टाइम लग जाता है? आधा पौना घंटा लग जाता है। तो देख सकते हो इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी पाव भाजी बनाने में आधा पौना घंटा लग जाता है। तो ये देखिए भैया बहुत अच्छे से मैश कर रहे हैं ताकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो सारे मसाले भैया ने डाल दिए इसमें, सारी वेजिस डाल दिए हैं। तो देख सकते हो ये दूसरी टिक्की डलने जा रही है अमूल बटर की। तो भैया यहाँ पे कितने टोटल बटर के पीस डल जाते हैं? उसको कोई गिनती नहीं रहता सर, गिनती नहीं रहती है। तो ये देखिए ये तीसरी टिक्की डलने जा रही है अमूल बटर की। तो भैया अब क्या करेंगे नेक्स्ट इसमें? इसमें मसाला डालेंगे। तो मसाला बनाएंगे इसमें, पहले तो लहसुन जाएगा, उसके बाद अदरक जाएगा, फिर भड़की जाएगा। ठीक है, फिर मसाला जो है हमारे पास सारा वो डालेंगे। ये देखिए ये आ गया लहसुन आ गया, और ये देखिए ये आ गया जिंजर। तो देख सकते हो बटर में भैया ने बढ़िया से जिंजर और गार्लिक को मिक्स कर दिया है। तो देखिए ये आ गया इनका चिली पेस्ट यहाँ पे। तो कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। ये आ गया नमक, और ये आ गया पाव भाजी मसाला, और ये आ गया जीरा। तो देखो काफ़ी सारे मसाले भैया ने मिक्स कर दिए हैं बढ़िया से, एकदम पाव भाजी यहाँ पर रेडी हुई है। और ये देखिए ये आ गया हरा धनिया, और ये थोड़ा सा भैया ने वाटर डाल दिया ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। ये देखिए ये कर दिया भैया ने मिक्स यहाँ पे। तो एकदम जो भी इन्होंने पेस्ट बनाया था उसके अंदर सारे ये देख सकते हो वेजिस इन्होंने मिक्स कर दिए बढ़िया तरीके से। तो कलर देख सकते हो पाव भाजी कितना बढ़िया आ रहा है। तो भैया अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए एकदम पतला सा पेस्ट बना देंगे इसका। तो अगर आपको बॉम्बे का टेस्ट चाहिए पाव भाजी में तो आपको बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिल्ली में द्वारका में ये मिल जाएगी। ये देखिए ये चौथी टिक्की डल गई बटर की। ये देखिए भैया पाँचवीं टिक्की डल गई यहाँ पर। ये देखिए पांच टिक्की यहाँ पे डल चुकी है पाव भाजी में। तो ये डलने जा रही है छवीं टिक्की। ये देखिए छह टिक्की डल चुकी है लगभग इसमें अभी तक। ये देखिए और ये आगे सातवीं टिक्की। तो मैंने इतनी ज़्यादा अमूल बटर कहीं नहीं डालते देखा, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे पाव भाजी बन रही है वो भी बॉम्बे स्टाइल में। तो देख सकते हो ये आ गया हरा धनिया। तो देख सकते हो अभी रेडी होने वाली है। भैया कितना टाइम लग जाएगा रेडी होने के लिए? 10-15 मिनट और लगेगा। 10-15 मिनट और लग जाएंगे। तो भैया टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की शॉप की? सुबह 11 बजे से 11 बजे रात तक। रात के 11 बजे तक।
हफ्ते में कितने दिन ओपन रहती है शॉप? ये बंद होती नहीं है कभी, बंद ही नहीं होती है, 7 दिन ओपन रहती है पूरे दिन, हफ्ता दिन पूरा चालू ही है। अच्छा, और एड्रेस बता दीजिए किसी को आना हो यहाँ पे। द्वारका सेक्टर 11। तो फिंगर लिकर्स द्वारका सेक्टर 11 में आप आके ये पाव भाजी टेस्ट कर सकते हो। तो देखिए ये लगने जा रहा हमारा पाव। तो ये देखिए ये डाल दिए मैंने बटर, तो भैया ने अच्छे से सेक दिए देख सकते हो एक साइड से। तो एक प्लेट में कितने पाव लगते हैं भैया? ये दो दो पाव लगते हैं। हाँ ठीक है भैया, पाव भाजी का प्राइस क्या रहता है एक प्लेट का? 94। तो 94 रुपीज़ की आपको पाव भाजी मिल जाएगी, जिसमें इसकी दो पीस पाव के रहते हैं और एकदम बॉम्बे स्टाइल में आपको पाव भाजी टेस्ट करने को मिल जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पे पाव बढ़िया तरीके से सीख चुका है। तो देखिए ये प्लेट लगने जा रही है हमारी पाव भाजी की। ये देखिए ये भाजी डलने जा रही है, ये देखिए कितना बढ़िया से भैया ने पेस्ट बना दिया इसका। तो ये प्लेट रहती है इनकी। ये देखिए ये डल गया अमूल बटर और ज़्यादा डल गया ऊपर से, देखिए एकदम बढ़िया से मक्खन मार के दे दिया है। तो देखिए ये डल गई चीज़ यहाँ पे एकदम बढ़िया से, देख सकते हो। तो देख सकते हो ग्रेट करके बढ़िया से यहाँ पे चीज़ डल चुकी है, ऊपर से डल गया हरा धनिया। तो ये देखिए ये डल गए प्याज डल गए, और ये आ गई इनकी स्पेशल हरी चटनी, और ये आ गए पाव एकदम बढ़िया से बटर में सिके हुए। तो हमारी प्लेट यहाँ पे लग चुकी है, तब इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है टेस्ट में। तो फाइनली बॉम्बे स्टाइल पाव भाजी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हो इन्होंने दो पाव दिए मुझे बढ़िया से बटर में सेक के, साथ में भाजी है उसके ऊपर इन्होंने चीज़ डाला हुआ है, बटर डाला हुआ है एकदम बढ़िया से, और ये देखिए प्याज दिया है और हरी चटनी। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ये देखिए तो ये मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ इनकी पाव भाजी। तो दिल्ली में तो मैंने बहुत पाव भाजी खाई है, बट उसमें से वन ऑफ द बेस्ट है ये। अगर आप द्वारका विजिट कर रहे हो तो फिंगर लिकर्स में आके इनकी पाव भाजी टेस्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो इन्होंने जो बीच में चीज़ डाला है, बटर डाला है, और बढ़िया से जो वेजेस का मिक्स करके जो इन्होंने भाजी बनाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और एकदम बढ़िया से मसालों का टेस्ट आ रहा है। तो अगर आप स्ट्रीट फूड मिस कर रहे हो और काफ़ी टाइम से अगर आपने पाव भाजी नहीं खाई, तो फिंगर लिकर्स द्वारका में आके इनकी पाव भाजी टेस्ट कर सकते हो। बात कर लीजिए इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 110 रुपये, जो कि मैंने चीज़ वाली लगाई है। अगर आप नॉर्मली खाओगे तो वो आपको 94 में मिल जाएगी। तो अब इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।